तो नवरात्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन इस बार 8 दिन नवरात्रों का पर्व रहेगा। तो ऐसे में आज 2 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। चंद्रघंटा के साथ कुष्मांडा स्वरूप की भी पूजा आज मंदिरों में भक्तजनों की तरफ से की जा रही है। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन वैसे तो विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार 8 नवरात्रे हैं, तो ऐसे में एक दिन 2 माताओं की पूजा हो रही है, और वो आज तीसरा दिन है जिस दिन 2 माताओं की पूजा अर्चना की जा रही है। चंद्रघंटा के साथ साथ कुष्मांडा स्वरूप की भी आज पूजा की जा रही है। तो दोनों देवी के स्वरूपों को आज पूजा जा रहा है। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में तांता भक्तों का लगा हुआ है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस बार नवरात्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो नवरात्रे आए वो कोरोना काल में आए। उस वक्त बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था, जिसके चलते मंदिर बंद थे और पूरी तरीके से भीड़भाड़ ना जुटे इस पर प्रतिबंध था। लेकिन इस बार तमाम तरीके के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, क्योंकि अब स्थिति सामान्य। हालांकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी जो लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा अर्चना करें। तो आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश धवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, यहां पर आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, लेकिन 2 स्वरूपों की पूजा की जा रही है, तो ऐसे में क्या महत्व है इसका, आज एक ही दिन 2 माताओं के स्वरूपों की पूजा होना, और कितना फलदायी इसे माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर जालौर जिले में, जालौर जिले के अंदर 3 ऐसे बड़े मंदिर है, सुंदा माता पर्वत और भीनमाल में शैंकरी माता का मंदिर है, जालौर सामुंडा माता मंदिर। ये तीनों मंदिर की जो महत्वता है वो बड़ी निराली है। ये बहुत बड़े पुराने मंदिर हैं। सुंदा माता की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से लगातार कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के कारण मंदिर पूरी तरह से जो है बंद थे, और इस बार जो है आज नवरात्र का आज तीसरा दिन है, लगातार वहाँ पर श्रद्धालुओं के भक्तों की जो है वो भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी जालौर जिले में कई छोटे मंदिर भी हैं, वहीं पर भक्तों की भीड़ लगी रही है। लेकिन अगर प्रशासन की मैं बात करूं तो इस बार मंदिर जरूर खुले रहेंगे, क्योंकि भक्त जो है वो दूर दराज से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर हर साल सुंदा माता पर जो है गुजरात समेत राज्य भर से लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर भक्त इकट्ठे होते हैं, और गरबा महोत्सव भी किया जाता है। लेकिन इस बार गरबा महोत्सव पर पूरी तरह से जो है रोक लगा दी गई है। जी जी और अब यहाँ पर क्योंकि तीसरा दिन है नवरात्र का, तो क्या अभी तक वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जैसे कि पहले दिन लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा था, और मंदिर परिसर भी इस चीज़ को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं भले ही वो भीड़ में आ रहे हैं लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए आज तीसरा दिन है, सुंदा माता मंदिर 900 साल करीबन पुराना मंदिर है, वो इस 300 के फुट वो इतना पहाड़ी पर एक ऊपर मंदिर आया हुआ है, जहाँ पहाड़ों के अंदर ये सुंदा माता विराजी हुई है। वहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो मांगते हैं, और जरूर उस लोगों की जो है भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और कोरोना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो कोरोना प्रोटोकॉल का जो है लोग निश्चित रूप से यहाँ पर पालना करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की रखती है, और प्रशासन और जो ट्रस्ट है सुंदा माता का उसकी ओर से एक खास इंतजाम किया गया है कि भक्त लोग जो है वो सुंदा माता नहीं आ सकते, वो फेसबुक लाइव पर भी सुंदा माता के दर्शन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो लोग दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच सकते वो लाइव प्रसारण इसका देख सकते हैं और ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। शुक्रिया।